हेलो फ्रेंड, एजीसी नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल में यह वीडियो रिक्रूटमेंट से संबंधित है। यह रिक्रूटमेंट आईआईटी मंडी से आया है। यदि आप आईआईटी मंडी में जॉब करना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी मंडी के द्वारा नॉन टीचिंग के 43 पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 5 मई 2021 से और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून 2021 है, यानी 4/6/2021 है। आईआईटी मंडी के द्वारा जो 43 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, इसमें पदवार डिटेल में जो पद है वो टेक्निकल ऑफिसर का है, L10 है और 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये सैलरी है। एज लिमिट 40 साल है। कुल पद एक हैं। स्पोर्ट ऑफिसर का पद है जो सैलरी सेम है L10 का है। एज लिमिट 40 साल है और नंबर ऑफ पद एक हैं। अगला हमारा पद है जो जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के लिए है, L6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 सैलरी है। एज लिमिट 35 साल है और कुल पद पाँच हैं, यानी कुल पाँच पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। जूनियर सुपरिंटेंडेंट का पद है L6 का है, सैलरी सेम है। एज लिमिट 35 साल है और कुल छः पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जूनियर सुपरिंटेंडेंट राज्य भाषा के लिए L6 है, एज लिमिट 35 साल है, कुल पद एक पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगला हमारा जो पद है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, जो L6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 सैलरी है। एज लिमिट में 35 साल है और कुल पद तीन है। कुल तीन पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए जो पद है वो L4 का है, 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी है। एज लिमिट 30 साल है और कुल 14 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जूनियर असिस्टेंट का पद है L3 है और 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है। एज लिमिट 30 साल है और कुल 12 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से कुल 43 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4/6/2021 है, 5 बजे तक। और पात्रता मापदंडों का निर्धारण आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पर किया जाएगा। इसके अलावा जो डिटेल है, जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलनी है वो आप देख सकते हैं। इसमें ग्रुप ए का जो पद है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें टेक्निकल ऑफिसर में, तो बी या बीटेक इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अदर डिटेल आप देख सकते हैं। स्पोर्ट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट साइंस, 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगला हमारा जो पद है वो जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स या डिग्री इन साइंस या रिलेवेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अगला जो हमारा पद है वो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑनर्स एंड सेम क्वालिफिकेशन मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिजाइवर भी दिया है। तो क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए, अदर जानकारी के लिए आप एक बार एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जो अगला हमारा पद है जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के लिए है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें क्वालिफिकेशन सेम मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अदर डिटेल आप संबंधित है जो डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगला जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए है, जिसमें बैचलर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
या मास्टर डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के लिए है जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिंदी अच्छे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अदर डिटेल आप देख सकते हैं। अगला पद है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है जो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा डिजाइवर भी दिया हुआ है। अगला पद है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए है जो डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है इसमें संबंधित डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पद है उसमें बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल रही है। हम इसमें जो यदि आपका डिग्री में आते हैं तो आवेदन करने के लिए 1 साल से पुराना आपका प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। इसमें जो रूल्स दिया है उसके अनुसार और कैटेगरी में 5 साल का छूट है। कैटेगरी के अनुसार जो डिटेल आप देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे लिंक दिया है, इस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित जो शुल्क लग रहा है वो शुल्क की हम बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए जो शुल्क है 100 रुपये शुल्क लग रहा है। मंदी के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से 100 रुपये आवेदन शुल्क दे होगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए SBI कलेक्ट का प्रावधान किया गया है और खाते में आपको हस्तांतरण किया है जो बैंक से संबंधित डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा महिला SC ST एंड दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपया शुल्क है। हालांकि यदि वो अनारक्षित पद के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए 100 रुपये शुल्क दे होगा, अन्यथा आवेदन इसे रद्द माना जाएगा। तो फ्रेंड यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपया आवेदन शुल्क है, यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अपना UGC NET क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। और एक बार फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।